श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि लक्ष्मी प्राप्ति से पहले, लक्ष्मी की जो पूजा होती है उससे पहले कामदेव और रति की पूजा करनी ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि कामदेव सिर्फ काम या वासना के देवता नहीं है, कामदेव यानी कामना के देवता। आपके जीवन में जो भी कामना है उसको फलीभूत कामदेव कर सकते हैं। कालांतर में कामदेव को और उनकी शक्तियों को बहुत कम दायरे में सीमित कर दिया गया और लोग ये सोचते हैं कि कामदेव सिर्फ वासना से संबंधित है या मोहन या वशीकरण से संबंधित है। कोई भी जब कामना पूर्ति की कोई भी साधना करता है उसके पहले कामदेव और रति की साधना या फिर जाप महत्वपूर्ण होता है, और ख़ास करके जब आप अपने मटेरियल वर्ल्ड को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है कि आप कामदेव की साधना करें। आज जो मैं आपको साधना देने वाला हूँ ये सर्व जन वशीकरण की साधना है, मोहन की साधना है, वशीकरण नहीं है, ये मोहिनी है। इसमें होता ये है कि अगर इस साधना को आपने कर लिया, एक तो बहुत कठिन साधना है नहीं, ये बहुत ही आराम से होने वाली साधना है, और इस को सिद्ध करके जो औषधि बनाई जाती है उसका तिलक किया जाता है, और उस तिलक से जो भी आपको देखेगा वो मोहित रहेगा, आपके बात के बाहर आपका सामने वाला व्यक्ति नहीं जा सकता है। ये इस साधना की खासियत है, और साधना भी बहुत साधारण सा है। करना क्या है, क्लिम कामदेव का बीज मंत्र है, तो एक अष्टकोण तारा बना के उसके बीच में क्लिम लिखेंगे और ये होगा आपका कामदेव यंत्र। अष्टकोण पर घी का दीपक जलाएंगे और जो मुख होगा दीपक का वो अंदर की तरफ होगा, मतलब जिस तरफ यंत्र बना हुआ है उस तरफ, उसके मध्य की तरफ उसका पॉइंट होगा जो सारे दीपक हैं। यंत्र के बाएं तरफ यानी आपके दाहिनी तरफ आप नवेद चढ़ाएंगे और यंत्र की दाहिने तरफ यानी आपके बाएं तरफ आप धूप चढ़ाएंगे। धूप सुगंधित पुष्प का होना चाहिए, मतलब चाहे गुलाब लीजिए या चमेली लीजिए लेकिन सुगंधित पुष्प का होना चाहिए, जो त्रांतोत्तर प्रयोग में आने वाले धूप हैं ऐसा कोई भी धूप नहीं होना चाहिए। उसके बाद मध्य में पुष्प चढ़ाएंगे और पुष्प के ऊपर इत्र चढ़ाएंगे। इतना करने के बाद जो पूजा विधान है वो करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। 1008 की संख्या होनी चाहिए। देखो, जब संख्या बताई जाती है तो उसका मतलब होता है कि संख्या के क्रम में ही करना है। बिना संख्या के अगर आपने 1008 से 1009 किया तो भी सिद्धि नहीं होगी, और अगर 1008 के बदले 1007 किया तब भी सिद्धि नहीं होगी। मंत्र जब संख्या के साथ बताया जाता है तो उसको संख्या में ही करना चाहिए।
अभी मंत्र सुनिए, फिर आगे का विधान बताऊंगा। मंत्र है ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यश्च यश्च मम मुखं पश्यति तं तं मोह्यतु स्वाहा। फिर से मंत्र सुनिए, ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यश्च यश्च मम मुखं पश्यति तं तं मोह्यतु स्वाहा। इस मंत्र का मतलब क्या है? इस मंत्र का मतलब है, हे भगवान कामदेव, जो जो मुझे देखे या जो जो मेरे चेहरे को देखे वो मुझ पर मोहित हो जाए। इस मंत्र का 1,000 जाप कर लेने के बाद मधु से कम 7 बार इस मंत्र का आप आहुति हवन करेंगे मधु से, ठीक है? आम की लकड़ी पे मधु से 7 बार आप आहुति देंगे। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि गांठ वाला लकड़ी नहीं होना चाहिए, लकड़ी में गांठ नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसको प्रयोग कैसे करेंगे? असगंध, अश्वगंध भी जिसको कहते हैं, हरताल और गोरोचन, उसको केले के रस में पीस करके इस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करके मस्तक पर तिलक लगाने से जो व्यक्ति आपको देखेगा वो मोहित होगा। अभिमंत्रित कैसे करता है तो मैंने बताया है आप लोगों को, सबसे आसान तरीका है दृष्टि से अभिमंत्रित करना। मतलब जब मंत्र का जाप कर रहे हैं तो ये रसायन को मिला करके आप नेत्रों के सामने रखें। दूसरा एक और तरीका है, अगर सामग्री ये ना मिल रही हो तो सफ़ेद दूब ले लीजिए, उसको हड़ताल के साथ पीस लीजिए, ठीक है? और उसके बाद यही 108 बार मंत्र जाप करके इस तिलक को अभिमंत्रित कर लेंगे तो जो आपको देखेगा वो आपसे मोहित हो जाएगा। तो ये काफ़ी प्रभावी और बहुत लोगों को आज तक इस साधना ने लाभ दिया है। मोहिनी साधना करते क्यों? मोहिनी साधना इसलिए करते हैं क्योंकि जो दुनिया में लोगों का एनर्जी लेवल है वो अलग है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग प्रजाति हैं, अलग अलग मानसिक विकृतियों के साथ लोग हैं। मानसिक विकृति सब में होती है, तो आपका और मेरा एनर्जी अगर नहीं सटीक बैठे तो आपको देखते ही मुझे लगेगा कि इस व्यक्ति को भगा दो, भले आपका या मेरा उसमें कोई दोष ना हो। अब क्या होता है माया के खेल में कि कई बार ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जिसका आपसे जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको उससे कोई गलत फायदा मिल जाएगा, लेकिन ये जो एक समन्वय की स्थिति नहीं आ पाती है और बिना आपके किसी गलती के उस तरह की स्थिति को दूर करने के लिए मोहिनी का विधान दिया गया है। इसमें आपसे कोई भी ईर्ष्या नहीं करेगा, आपसे कोई भी द्वेष नहीं करेगा, आपको जो भी देखेगा वो श्रद्धा भाव से देखेगा, इसलिए करते हैं मोहिनी साधना। अगर ये सामग्री ना मिले मुझसे, अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए हो, लेकिन अगर सामग्री ना मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के बाद मैं, हो सकता है कि 15-20 दिन बाद आप लोगों को ये बना के दे पाऊँ। आज के लिए इतना ही, आप सभी की कामनाओं की पूर्ति हो। इसके लिए और भी मैं कामदेव की साधना ही दूंगा, ये मान के चलो कि ये पहला चरण है। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, नंबर है 9431188585। जिनको अपॉइंटमेंट लेना है मेरा वेबसाइट है www.adbhuttantrasya.xyz, उस पर जाके अपॉइंटमेंट ले सकता है। डायरेक्ट बात करने के लिए एक एप्लीकेशन है कॉल मी फॉर ऐप, इसको डाउनलोड कीजिए। इसमें रुद्रनाथ @cm4 सर्च कीजिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, इसमें आप बात कर सकते हैं।
भगवान कामदेव आप सबकी सारी कामनाएं पूर्ण करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।